आयशा प्लांटिंग में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आयशा प्लांटिंग द्वारा लगाए गए जो नींबू के पौधे हैं, आज मैं किसान भाइयों आपको मिलाने जा रहा हूं। एसडीओ अंकल अब वो खेतों में लगे हुए हैं और दूसरे खेतों में लगे हुए हैं अंकल जी, जो आज मैं आपको उनका बगीचा जो लगा हुआ है जिनमें फलदार भी मिक्स थे, अनार, मौसम्मी, संतरा, अंगूर की बेल और संतरा किन्नू, माल्टा, चीकू, हर चीज़ लगी हुई है। मैं किसान भाइयों आज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो नींबू हमारा है गर्मियों में। राणा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज कितनी तारीख है? आज 4 जून है जी। जो 22 है और आज हम इनके पास पहुँचे हैं, तो नींबू के प्लांट जो है अभी किसान भाइयों को दिखाएंगे कि जिसमें कह रहे कि फूल नहीं पड़ता गर्मियों में। इन्होंने अभी नींबू कुछ टाइम पहले वीडियो बना के आपने बेची थी जी, मैंने डाली थी, बेच दिया है और अभी जो आपको दिखाते हैं धीरे धीरे जूम करके देखो फूल भी पड़ रहा है जी जी, और नींबू भी तैयार हुआ है। क्या राणा जी, ये छोटा ही नींबू है जो और बड़ा भी है क्या? नहीं, इससे बड़ा नींबू भी है। दिखाइए आप, मैं आपको, ये देखिए बड़ा नींबू है और ये तैयार, इससे बड़ा भी है क्या? ये तैयार हो चुका है, ये देखिए साइज हाथ से पकड़ के दिखा देता हूँ मैं, ये तोड़ के दिखा देता हूँ, ये तो अभी छोटा पकना है, अभी तैयार हो चुका है जी, अभी ये तैयार हो रहा है, छोटा है थोड़ा, तैयार होने वाला है। इससे बड़ा तोड़िए, थोड़ा सा इससे बड़ा भी है क्या? हाँ, और भी ये तैयार हो रहे बीच में कल। ये देखिए किसान भाई, तोड़ना मत, अभी रहने दो, पकना है। परसों इन्होंने तोड़ा था अभी ना। ये देखिए किसान भाइयों, ये देखो गुच्छों में नींबू लगा हुआ गर्मियों में। 4 जून है आज। जो किसान भाई कहते हैं कि गर्मियों में नींबू नहीं लगता है वो आके देख सकता है किसान भाइयों। और ये देखिए बहुत ही अच्छे गुच्छों में नींबू लगा हुआ है, एक साइड फूल पड़ रहा है, दूसरी साइड पक रहा है, तीसरी साइड तैयार। क्या सभी पौधों में राणा जी ऐसा ही है? सभी ऐसा ही है जी। ये देखिए गुच्छों में नींबू लगा हुआ है, इधर देखिए आप गुच्छों में नींबू लगा हुआ है। कुछ अंकल जी ने तोड़ा भी होगा, अभी तोड़ लिया, अभी नया फूल अगला है जी, अभी बारिश पड़ेगी जी 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 जी, चल रहा है बारिश पड़ेगी तो जुलाई में मैक्सिमम तैयार होकर जा रहे हैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट फिर लग रहा है। छोटे 12 महीने जो ऐसे ही भरे रहते हैं सारे जी, जब मर्जी आ जाओ अंकल के पास, ऐसे ही पौधे रहते हैं। और इधर देखिए, और ये जो पौधा है फूलों की इसमें बरमार हो चुकी है, ये देखिए इन्होंने मौसम्मी के पेड़ लिए थे, अनार के लिए, अनार भी क्या लग चुका है किसान भाइयों, दिखाना चाहता हूँ किसान, ये देखिए अनार भी लगा हुआ है, देखिए ऊपर लग रहा है छोटा छोटा, ये देखिए इससे टहनी को आ जाइए इसमें तैयार। ये तो मेरे को 12 महीने अनार लग रहा है जी, एक साइड ये देखो फूल पड़ रहा है, उधर पकने के लिए तैयार है, ये अनार का हो गया, नींबू आ गया, ये नींबू आ गया सर, और मौसम्मी का दिखा देते हैं आपको उस साइड में, ये मौसम्मी है जी, ये देखिए मौसम्मी है, ये किन्नू है सॉरी, ये देखिए किन्नू, मौसम्मी इस तरह लगी हुई है पाली तरफ, ये देखिए कैसा, कितना बड़ा पौधा और कितना ज़्यादा फल लगा हुआ, गुच्छों में लगा हुआ है किन्नू भी, ये देखिए। अगर कोई भी किसान भाई आके देखना चाहता है तो देख सकते। अब मैं किसान भाई आपको दिखाना चाहता हूँ जो मौसम्मी, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी मौसम्मी की, ये देखिए तालाब जो है नीचे न गिरे, ये देखिए सर हुई सारी मौसम्मी, ये देखो पूरी। अरे किसान भाइयों, इस वीडियो को अपने किसान भाइयों दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 12 महीने हम आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते हैं, हर हफ्ते में वीडियो एक आधी अपलोड कर देते हैं किसान भाइयों आपके लिए, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, शेयर भी करो और हमें पता लगे कि हमारी वीडियो चलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे और वीडियो बनाए। ये देखिए लीची का पौधा है, सेब का है, इसमें फूल आया था सेब में जी, अभी शॉर्ट अभी आएगा फल, इसमें भी आया था लेकिन अभी 8 महीने का पौधा जी, इसमें अभी आया था जो 2 महीने में लगता है ना, जी 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 जी, लेकिन हमने झाड़ दी।